हेलो हेलो एवरीवन, वंस अगेन हेलो। सम इश्यू, सम इंस्टाग्राम ग्लिच दैट्स हैपनिंग विद अस काफी टाइम से. मुझे ये लाइव वापस शुरू करना पड़ा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी मैम. कैन यू हियर मी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू सी मी? हाय, गुड इवनिंग। आई कैन हियर यू, आई कैन सी यू, एंड ओके, परफेक्ट. कैन यू हियर मी, लेट्स कैन यू जस्ट सी डू मी? अ क्विक चेक विद द ऑडियंस. अगर आपको मेरी आवाज और मेरी शक्ल दिखाई दे रही है एंड मैम की आवाज, मैम की शक्ल दिखाई दे रही है, तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए. ओके, सो अगेन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फॉर एवरीबडीज नॉलेज. यस। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है. हम यूजुअली देखते हैं कि डॉक्टर्स के साथ सेमिनार्स वर्कशॉप्स होते रहते हैं, बट आज एक ऐसे हेमेटोलॉजिस्ट के साथ हमारी मुलाकात हो रही है जिसके साथ बात करके वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट शी इज इन आवर लाइव्स. एंड यू नो दिस कॉन्सेप्ट कुड हैव बीन रियलाइज्ड ओनली विद विद द पेशेंस दैट शी हैज शोन हमारे साथ. तो मैं फटाफट बता देता हूँ कि हम लोगों ने एक अनोनिमस क्वेश्चन आंसर्स का एक सीरीज ये स्टार्ट किया है. तो एक तरह का हेल्प डेस्क जैसा है, राइट? मतलब हम जैसे कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि ओके, आई हैव सो एंड सो प्रॉब्लम, आई वांट सम हेल्प, एंड दैट्स वेयर मैम यू आर द हेल्प दैट वी नीड. एंड आई थिंक आज के सेशन में वी विल सी हाउ हाउ द थिंग पैन्स आउट. तो बेसिकली दोस्तों, आपको slido.com, दैट इज www.slido, SLIDO.com में जाना है एंड वहां पे इवेंट कोड डालना है 603802. ओके, मैं ये कमेंट में पिन कर देता हूँ जस्ट फॉर एवरीबडीज रेफरेंस. ओके, दैट्स देयर. ओके, ग्रेट. सो या, आपको स्लाइडो में जाना है एंड वहां पे आप लाइव देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम के पास एंड वी आर आंसरिंग देम. जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हो जाएंगे सब अनोनिमस है, हमें पता नहीं है किसने ये क्वेश्चंस हमें भेजे हैं. इंडिया के किसी भी कोने से हो सकता है, इनफैक्ट वर्ल्ड के किसी कोने से हो सकता है, राइट? अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है, आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ जो मैम से आप क्लियर कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये ही मौका है, आप क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर लिजा बोलसारा. शी इज अ कंसल्टेंट हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट विथ अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो, टैकलिंग ऑल दी थैलेसीमिया वॉरियर्स ऑफ डिफरेंट एजेस. एंड इंटरेस्टिंगली शी इज हेडिंग दी ARH डे केयर, थैलेसीमिया डे केयर दैट इज इन अहमदनगर. एंड यू नो प्रेविलेंटली उन्होंने अंडर प्रिविलेज, जो गरीब बच्चों हैं, गरीब थैलेसीमिया वॉरियर्स है, उनके साथ मिलके उनको एक एक टॉप मोस्ट हेल्थ जो फैसिलिटी है उसका उन्होंने फायदा दिया है. एंड हम उन्हीं से जानते हैं कि यू नो व्हाट इज हर इंट्रोडक्शन इन अ प्रॉपर वे एंड व्हाट डज शी डू बेसिकली. I am. Thank you so much for the great intro. I do not require to say anything else after what you, and I don't want to add anything also. I am Dr. Lisa Balsara. Basically, first of all, I want to introduce the concept, what we are trying to do here. Since I was, my pediatric hemato-oncology training was done in Mumbai. So Mumbai thalassemic warriors are very much aware of thalassemia and how to deal with it. So when I came to Ahmednagar, and which is around 300 kilometers from Mumbai, and सिर्फ 110 किलोमीटर फ्रॉम पुणे. तो जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे पता चला कि यहाँ के थैलेसीमिक वॉरियर्स को
इतना नहीं पता जितना कि अवेयरनेस होना चाहिए एंड एवरीथिंग. तो आई स्टार्टेड डीलिंग विथ फ्रॉम द ग्रास रूट प्रॉब्लम्स. फिर मुझे समझ में आया कि द लूप होल्स कहाँ कहाँ थे. एंड देन आई रियलाइज कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो लोग हैं वही बहुत ज़्यादा अवेयर है चीज़ों के बारे में. रेस्ट ऑफ इंडिया इज स्टिल लिविंग इन 1960s. तो हम लोग ने ये किया कि हम लोग ने एज एन क्वेश्चन आंसर सीरीज किए. एंड देन वी रियलाइज कि लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते या आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते. कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो आई विल साउंड स्टूपिड और लोग मेरे पे हंसेंगे. तो पहले हमने वो फिल्टर हटा दिया कि लोग तुम्हें जानते ही नहीं, तुम कुछ भी पूछो. सो वो क्वेश्चन फिर एंड दिस इज जस्ट अ पायलट सीरीज. दिस इज गोना टर्न आउट इनटू ह्यूज बेस्ड ऑन हाउ द रिस्पॉन्स वी गेट. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं और यू नो मिस्टर घोष बात कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को क्वेरीज सॉल्व करें. इट इज नॉट लाइक दैट. एंड वी विल कम अप विद डिफरेंट इनोवेटिव वेज टू रीच द पीपल. अभी पहले के जमाने में क्या होता था, पेपर में एक दे देने का आर्टिकल, थैलेसीमिया डे में 8 मई पे दे देने का, एंड देन जून में देने का वर्ल्ड डोनर डे में पेपर पढ़ते थे लोग थोड़ा जितना. बस दो दिन हो गया पूरे साल का कोटा खत्म. पेपर नहीं पढ़ते कोई. सो व्हाट पीपल आर डूइंग इज सोशल मीडिया. तो जो लोग करेंगे वो हम करेंगे, तो हम भी सोशल मीडिया. सो कमिंग टू माय मेडिकल इंट्रोडक्शन, आई हैव डन माय एमबीबीएस फॉर 5 years इन दावणगिरी कर्नाटका. देन आई डिड माय एमडी पीडियाट्रिक्स फॉर 3 years फ्रॉम अहमदनगर विखे पाटिल. एंड देन आई डिड माय 2 years ऑफ फेलोशिप इन सीटीसी पीएचओ बीएमटी सेंटर विच इज ऑल्सो नोन एज बोरेवली सेंटर. And my mentor and my guide and everything is Dr. Mamta Manglani and Dr. Ratna Sharma. ये करके. So जो CTC Borivali Center है वहाँ से मैं, मेरा first batch था and मैं वहाँ से I have passed out. And Mamta मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया thalassemia क्या होता है, कैसे करना है. So I am just being a, you know, a जरिया जहाँ से लोग वो बात पूछ सके. अभी मंगलानी मैम से थोड़ा डर लगता है तो हाँ यूजुअली ऐसा ऐसा देखा है हमने राइट. मतलब हमारे डॉक्टर से हम थोड़ा डरते हैं. मतलब ऑफ कोर्स ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, बट झूठ भी नहीं बोलना चाहिए. राइट राइट राइट. बट एक जो इंटरेक्शन है वो काफी कम होता है. मतलब इट्स लाइक हम बस जाते हैं, हमारा रूटीन बताते हैं. देयर इज नो कैंडिड टच. फ्रेंडलीस्ट पर्सन आई नो ऐसे कर. तो लेकिन पता नहीं क्योंकि सिंस शी इज वेरी बिजी ऑल्सो, बट वेन एवर शी इज विद पेशेंट शी विल बी द मोस्ट कूलेस्ट डॉक्टर आई हैव सीन इन माई लाइफ ऐसे कर. तो वी कोलैबोरेटेड विद फन विद रेड ब्लड सेल्स एंड वी हैड डन अ लॉट ऑफ सीरीज पहले भी. But this was something which we wanted to go, you know, घर घर जाके बताना कि पूछो भाई क्या problem है, हम बताते हैं ये करके. So we have started this series which is from Slido, which app I also didn't know until you introduced to me. But it is a very cool concept which I thought it was. ये करके. So हम लोग ना 10 साल पढ़ाई करते ताकि हम thalassemia को treat कर पाए. So when we do something ना, please take us seriously. Please ऐसे. हम बोले चेलेशन लेना है तो उसको ये सो कैन वी स्टार्ट. कूल. यस डेफिनेटली. यस वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सीरीज क्वेश्चंस. लॉन्ग लिस्ट, रियली लॉन्ग लिस्ट. एंड आई गेस वी हैव लाइक अ 1 hour सेशन. सो गेट स्टार्टेड. यस यस. ओके सो या द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू अस इज यू नो व्हिच काइंड ऑफ वैक्सीनेशन और यू नो व्हाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट in thalassemia patients. Abhi, why vaccination is important in thalassemia patient? First of all, jo aapka routine vaccination hai, jo aapko, matlab, when you are born, jo bachcha paida hota hai, hum pehle to, matlab, he cries and we take the weight and everything. Uske baad, the first thing we do is we give the BCG vaccine. To wo jo aapka routine vaccination hai, jo, matlab, ek mahine mein, matlab, born, birth pe, phir first week mein, phir 6 weeks mein, 8 weeks mein, that routine vaccination everybody has to take. There is no option for that. Aur aisa nahi hai thalassemic bachcho ko wo nahi lena chahiye. Theek hai. Second thing is hepatitis A vaccine life mein ek bar aapko lena hai. Hepatitis B 5 years mein aapko booster dose lena hai. Why? Because
मैं हर एक चीज में वाई बताऊंगी, क्योंकि जब तक मैं क्यों करना नहीं बताऊंगी ना, तो वो क्या करना है वो करेंगे ही नहीं. सो व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, तो हर बार आपने देखा होगा कि आपका एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है HIV 1 and 2, VDRL, HBV नेगेटिव. ये क्यों होता है कि हम लोग वायरस टेस्टिंग करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि डोनर में पॉजिटिव होता है, और ये होता है ब्लड बॉर्न वायरस. तो कभी कभी वो विंडो पीरियड में रहता है. विंडो पीरियड मतलब 0 to 14 days में, जब उसका साइज बहुत ही छोटा होता है और सेरोलॉजिकल मार्कर्स में वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उतना इम्यूनोजेनेसिटी नहीं होता है. तो वो कभी कभी बॉडी में आके ट्रांसफ्यूजन के थ्रू वो एक्टिव हो जाता है. सो दैट्स व्हाई हेपेटाइटिस बी वायरस का 5 years में बूस्टर डोज लेना पड़ता है. नाउ कमिंग टू कोविड एरा. कोविड एरा में यू हैव टू टेक कोविड वैक्सीन, विच कैन बी एनी वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुटनिक आया तो स्पुटनिक वैक्सीन. ठीक है, जहां पे भी आपको पहला स्लॉट मिले, बुक इट, टेक इट. देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के थैलेसीमिया को वो नहीं लेना चाहिए. तो दिस आर ऑल द वैक्सीन विच यू हैव टू टेक. ये कर स्प्लिनेक्टमी के अलग अलग वैक्सीनेशन है जो प्रायर टू स्प्लिनेक्टमी लेने चाहिए, और जिनका स्प्लिनेक्टमाइज्ड हो चुके हैं, दे शुड टेक बी कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन. व्हाट इज बी कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन? हीमोफीलिया, ये सब जो होता है, हीमोफिलस जो होता है, उसका वैक्सीन आपको लेना चाहिए. जैसे कि मेनिंजोकोकल डिसनोनस कैप्सुलेटेड, जिसको एक कैप्सूल आता है ऑर्गेनिज्म को, उसका वैक्सीन आपको लेना चाहिए. बट दिस इज नॉट फॉर ऑल, सो इसको मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी. ओके ओके ओके. सो इन शॉर्ट द टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज वी शुड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल. मतलब जितना जल्दी कोविन में आपका ओटीपी आता है और आपका स्लॉट हरा वाला स्लॉट दिखता है, बुक मारो और जाके वैक्सीन ले लो. ओके, वैक्सीन पे और भी मे बी क्वेश्चन है आगे, तो वील टेक दैट इन डिटेल. बट अगेन आई मीन लेट्स मे बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दोस्तों आप स्लाइडो में देख सकते हैं, मैं जैसे एक क्वेश्चन ले लूंगा, आई विल जस्ट मार्क इट कम्प्लीट, तो वो लिस्ट से हट जाएगा. तो आपको दिखता रहेगा लाइव कैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्विच बैक. तो द क्वेश्चन इज बेसिकली चिलेशन प्रॉपरली कैसे लेना चाहिए. तो ये थोड़ा डिफाइन कीजिए कि चिलेशन कैसे नहीं लेना चाहिए. स्टील का चम्मच यूज नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली कोई भी धातु के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो उसको आप कांच के ग्लास में लीजिए, प्लास्टिक का चम्मच या प्लास्टिक का चम्मच से इसको घुलाइए. उसके बाद मतलब ये सुबह उठने से पहली चीज आपको ये कर ली है कि आप आपने ये डेसीरॉक्स या आपका जो भी है वो सब साथ में रखा. यू आर डूइंग दिस, एंड देन उसके बाद उसको 100 ml पानी में लेना है. यू कैन ऑल्सो टेक इट इन एप्पल जूस ऑल्सो, ये करके, एंड उसको 3 minutes के अंदर पी जाना. ठीक है, ऐसा नहीं आप सुबह उठे, आपने वो ग्लास बनाया, फिर आप ब्रश करने गए, फिर आप यू नो नहाने गए, अपने दोस्तों से मिलके आए, और फिर 1-2 घंटे के बाद आपने इसको खाली पेट लेना है. ये लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं. This is the proper way to take iron chelation. कांच का ग्लास, प्लास्टिक का चम्मच या प्लास्टिक, no metallic this thing, in 100 ml of water or apple juice, drink within 3 minutes of dissolving it. Okay, okay. Okay, this is the proper way. And after half an hour, you can have food. ये करते. Take a proper interval after taking your chelation and brushing also. So, ये हो गया लाइक जो नॉर्मल हमारे ओरल चिलेटर है, राइट? एक अभी नया टाइप का चिलेटर भी आया, राइट? जो लाइक दोज आर कॉल्ड फिल्म कोटेड चिलेटर्स. सो एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर देम? उसमें कुछ कभी भी ले लो. मैं तो सुबह ही लेता हूँ, बट there is no specificity for that. This is only for whatever iron chelators which are not coated. Nothing specific which are coated. Because see, coating already has, so that is not going to react to the metal or rot to the air. This is all because of the chemical composition what we are talking about. Right. Yeah. Just a quick follow-up on that question. Ceramic spoons and cups can be used? Yeah. Non-metallic. As long as non-metallic. Okay. Yeah. So, dosto, point to be noted is non-metallic. क्वांटिटी ऑफ ग्लास जो पानी है या जूस है उसको नोट कीजिए, 100 ml.
एंड टाइमिंग टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदिन 3 मिनट्स, मतलब आपके घुलने के 3 मिनट में आपको लेना है. बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर 90% अभी यही कर रहे हैं कि बनाते हैं, ब्रश करके आते हैं, या फिर मैं नहा के आता हूँ, एंड देन दैट इज डन. बिकॉज दैट्स व्हाट आई फाउंड इन माय डे केयर के ऐसा चल रहा था उनका. श्योर श्योर. एंड एंड मिल्क का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहता है क्या? यू डोंट नीड टू टेक मिल्क फॉर सम टाइम. एनीथिंग इज मिल्क लाइक अ विल नॉट टू बी टेकन फॉर हाफ एन आवर. ओके, दैट इज इट. And anything for Kelfer, like if somebody is taking Defri-Prone? Nothing. Okay, so they can also because, just like pop. ये सारी चीजें ना chemical composition में बहुत important होती है, क्योंकि Kelfer का half life is जब तक वो मतलब body में पहुंचे maximum काम करे करके, तो वो 3 to 4 hours ही होता है. Whereas Desirox का half life is very very good, तो मतलब वो 20-30 hours काम करता है. So we need to take it once. Whereas Kelfer we need to take every 3 to 4 hours. इसीलिए वो TDS dose में होता है. TDS मतलब 3 times a day. तो वो 3 times होता है ताकि मतलब you know वो चल सके. So nothing to be done for Kelfer. Everything else for this is only for Desirox what we are talking about. ये कर. All right. Perfect. Cool. That was a very well detailed answer on a very important topic. All right. So let's maybe move on. So I'll just mark this also as complete. All right. So the next question is in transfusion dependent warriors. In transfusion independent warriors. Right. Why do we see higher levels of iron? They don't take blood transfusions, but still, they have a higher level. And they take normal or regular chelators. मतलब chelation उनका proper चल रहा है, but iron level कम नहीं हो रहा है. तो इस पे ऐसा कुछ केस आपने देखा है या is this normal or? See what happens is iron is absorbed in intestine, the second. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि normal iron absorption is 1 to 2 mg per day, 1 to 2 microgram per day. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि आपको पता है थैलेसीमिया में प्रॉब्लम क्या होती है. नॉर्मल आरबीसी 120 डेज जी सकते हैं, वेयर एज थैलेसीमिया में ये प्रॉब्लम होता है कि जो आरबीसी छोटे फॉर्म में रहता है, प्रीकर्सर्स आरबीसी बोलते हैं, जो मैच्योर होने से पहले वाला आरबीसी, तो वो 30-40 डेज में प्रीकर्सर फॉर्म में ही मर जाता है. ये प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से. उसकी वजह से क्या होता है, जो बोन मैरो होता है, जो बोन मैरो विच इज इन अ लेमन टर्म विच आई से कि फैक्ट्री होती है आरबीसी बनने की, तो वो बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं क्योंकि वो मर रहे हैं ऐसे करके. तो उसमें क्या होता है, बोन एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई व्हेन अ थैलेसीमिक पर्सन इज नॉट प्रॉपरली ट्रांसफ्यूज्ड एंड चेलेटेड, यू विल सी कि उसका ना हड्डियां फूलने लगती, जो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोप्टोसिस या चेंजेस जो थैलेसीमिक्स में दिखते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जब आयन एब्जॉर्प्शन एक्सीड कर जाता है आयन लॉस से, ठीक है, आयन एब्जॉर्प्शन लॉस से एक्सीड कर जाता है, तो वो मेडुलरी हेमोटोपोइसिस होता है और बॉडी फूलने लगती है. उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है आयन का बॉडी में, जो मतलब इंटेस्टाइन में होता है. इसकी वजह से जो बच्चों का HbA9 से कम रहता है और जो बच्चों में प्रॉपरली आयन चेलेशन या ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, उनमें आयन एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता 5 times ज्यादा हो जाता है. अच्छा, हाँ. सो दिस इज नॉट बिकॉज कि उनका मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि ब्लड चलाने की वजह से आयन बढ़ता है. इन थैलेसीमिया आयन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है जब HbA9 से कम. अच्छा. रहने लगता है ये करके. सो इवन इफ यू आर ट्रांसफ्यूज्ड और इवन इफ यू आर नॉट ट्रांसफ्यूज्ड, इफ यू आर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, योर आयन एब्जॉर्प्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग इफ द HbA इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली और इफ यू आर नॉट टेकिंग चेलेशन प्रॉपर. सो इस वजह से हम लोग नॉन ट्रांसफ्यूजन या फिर जो नॉवल थेरेपीज पे है, दे आर स्टिल ऑन डेसिरॉक्स और एनी आयरन चेलेटर फॉर दैट पर्पस. सो इस क्वेश्चन का सार ये है कि वी नीड टू मेंटेन द HbA अबव 9 एटलीस्ट, यू नो, इवन इफ यू आर ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट. या सो फॉर दैट जो लोग ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट होते हैं या जो नॉवल थेरेपीज पे आपने देखा होगा, उनको हाइड्रोक्सी यूरिया चालू रहता है क्योंकि वो HbF इंड्यूसर है, तो वो एटलीस्ट HbA मेंटेन करने में हेल्प करता है. ओके, ड्यू पता होगा तो फिर वो टैबलेट्स भी ठीक से ली जाएगी. एग्जैक्टली. ओह, ग्रेट पॉइंट. कूल. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, या थोड़ा इट्स लाइक
philosophical hoga maybe, I don't know. Tips to improve longevity in thalassemia warriors. You know, ऐसा बोलते हैं कि मतलब एक एक fixed life expectancy है. If you don't take chelation, don't do proper blood transfusions. So any tips, any quick tips, maybe something that come in the back of your mind. First of all, डॉक्टर का सुनो, उसे 10 साल पढ़ाई की है आपको समझाने के लिए. डोंट लाई टू योर डॉक्टर इफ यू आर डूइंग एनीथिंग पर्सनल. बी मतलब डॉक्टर्स आर नॉट द इविल पीपल. अगर आप शांति से बोलोगे वो शांति से समझाएंगे आपको. ओके, फर्स्ट थिंग, डोंट लाई टू योर डॉक्टर. इफ देर इज अ प्रॉब्लम देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन. टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट फॉर वॉट एवर इट इज. एब्सोल्युटली. अगर आपको एक रेजिमेन दिया गया है वॉट एवर एज पर योर नीड्स एज पर योर बॉडी टाइप कि आपको 21 दिन में लेना है, 15 दिन में लेना है, 10 दिन में लेना है ट्रांसफ्यूजन, तो लिसन टू हिम और हर कि नहीं कुछ समझ के ही उसने 21 दिन 10 दिन 5 दिन बोला होगा. डोंट मतलब डोंट जगल योर डेट्स. ठीक है, whatever the iron chelators are, take it properly. ठीक है, एंड उसके बाद जो भी सप्लीमेंट्स है विद द एक्सेसिव, देखो सी द रेमेडी इज नॉट द ब्लड और द चेलेशन, इट इज द होलसम प्रोडक्ट जो होलिस्टिक अप्रोच आपको होगा ये करके. वॉट एवर द कैल्शियम, जिंक, वॉट एवर द सपोर्ट्स, विटामिन सी, एवरीथिंग यू टेक इट प्रॉपरली. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो डोजेस में आपको बताया गया है. बिकॉज क्या होता है कि पीडियाट्रिक में स्पेशली आपके वजन के अनुसार हर एक चीज होगी. जैसे कि डेसिरॉक्स 20-40 mg पर kg पर डे ही जाना चाहिए आपको, तो आपका वजन अच्छा. बढ़ेगा तो वो डोज भी बढ़ेगा. सो मतलब मैंने अगर 2 टैबलेट बोला है और आप 1 ले रहे हो तो वो फेरेटिन 8000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. हाँ, मतलब बहुत बहुत ऐसे केसेस देखे हैं फ्रेंड्स के भी जो बचाते हैं टैबलेट. मान लीजिए टैबलेट नहीं मिल रहे हैं तो वो प्रिजर्व करने लगते हैं स्टॉक. यस, या दैट इज, तो ये तो मतलब हाँ, right. देखो उसमें एकदम सिंपल टर्म्स में जैसे मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि अगर मेरे पास यू नो किया सेल्टोस है और अगर मैं उसको बोलती हूँ कि उसका एवरेज 24-26 है, तो वो कब है 24-26? अगर मैंने उसकी सर्विस टाइम टू टाइम की है, इफ आई एम नॉट मिसहैंडलिंग द व्हीकल, इफ आई एम नॉट यू नो रैश ड्राइविंग इट, देन इट इज 20-24. अगर आप चाहते हो आपकी एवरेज लाइफ की 60-80 रहे, तो मेंटेन द इंजन, तो आपकी एवरेज इतनी रहेगी. सो टेक रेगुलर ट्रांसफ्यूजन, टेक प्रॉपर चेलेशन, टेक सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट निग्लेक्टेड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. गो आउट, लिव योर लाइफ. में ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा दिन बीमार जैसा एक्ट करो. थैलेसीमिया बीमारी नहीं है फर्स्ट. हाँ, सो एंड डू द डाइट प्रॉपरली. ठीक है, जैसे कि यू नो बिकॉज थैलेसीमिया पहले बोलते थे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, तो लोग आयरन खा रहे हैं. आयन में क्या खा रहे, गुड़ खा रहे, विच इज कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तो वो सारी चीजें मत कीजिए. तो यू नो इफ यू आर गिविंग अ डाइट चार्ट, जैसे कि हमारे डे केयर में हर एक बच्चे की फाइल में एक डाइट चार्ट रहता है इन मराठी, ये करके तो फॉलो दैट. ओके, ये करके. और जो आपके एनुअल टेस्ट है, बिकॉज आपकी मेडिकेशन वो एनुअल टेस्ट के हिसाब से या मंथली टेस्ट के हिसाब से या फेरिटिन जो 6 मंथली करना है उसके हिसाब से आगे पीछे होगा, एड होगा चेलेशन, तो डू दैट वन टाइम. The doctor is obviously looking after you, but you need to look after yourself first. So, ye sab aap karoge, so we have examples. We have Imran sir, Pankaj sir, Sangeeta ma'am, Banjula doing wonders in life. You guys are doing wonders in life, yeah? So, that's the way. And stay positive. Exactly. So, stay positive. Yeah, is question ka takeaway is definitely what I understood from ma'am's deep perspective is ki ek wholesome package. हमने किया सेल्टोस का एग्जांपल दिया, राइट. माइलेज तो इम्प्रूव कांस्टेंट रखनी ही है, बट हमें इंश्योर करना है कि वो लंबे टाइम तक चले ताकि हमें दूसरी गाड़ी खरीदनी ना पड़े. दूसरी गाड़ी ऑप्शन नहीं है वहाँ पे. नहीं है, एक ही गाड़ी है हमारी बॉडी. तो जो भी आप सप्लीमेंट्स, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिलेशन ही दो चीजें नहीं है. सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट is important for increasing aapki life expectancy, right? Okay, cool, perfect. Just add on to that question. There's a question ki are supplements like zinc really needed? Matlab, zinc tablets matlab zarurat hai ki nahi? And what kind of food items can provide the vitamins and minerals? Matlab, agar mujhe tablets nahi lene in sab ke toh. See, what happens is, जब हम कैल्फर पे रहते हैं एंड लाइक क्योंकि हर एक
चेलेशन का अलग अलग रोल होता है. तो कैल्फर व्हेन द कार्डियक टॉक्सिसिटी कार्डियक आयन लोड इज टू मच वी इंट्रोड्यूस कैल्फर, जो काफी बड़े बच्चों में जब कार्डियक आयन मतलब आयन लोड कार्डियक पे मतलब हार्ट पे आने लग जाता है एमआरआई स्कैन में, वी इंट्रोड्यूस कैल्फर बिकॉज द कार्डियक टॉक्सिसिटी इज वेरी वेल हैंडल्ड विद कैल्फर. अभी कैल्फर क्या करता है, द मैकेनिज्म ऑफ कैल्फर इज समटाइम्स व्हाट द स्टडीज हैव सीन इज कि वो जिंक ना डेफिशिएंट करता है बॉडी में, द वॉट एवर मेटाबॉलिज्म उस पे जिंक कम हो जाता है. और जब जिंक डेफिशिएंसी होने लगता है ना तब कैल्फर के साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि नी पेन होना, बॉडी एक होना, जॉइंट पेन होना, दैट इज मतलब नी आर्थ्रोपैथी वगैरह वो बढ़ जाता है. तो टू अवॉइड सच थिंग्स हम लोग जिंक देते हैं एंड जिंक इट्स एंटी ऑक्सीडेंट सो इट वर्क्स वेरी वेल विथ ऑल द चेलेशन. सो यस, जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन यू आर ऑन कैल्फर. इसीलिए जब आप कैल्फर का होगा तब आपके एड में जिंक सिरप या जिंक कैप्सूल होता ही होता है. एंड व्हाट ऑल इज इम्पॉर्टेंट, आप जिंक सी टैबलेट्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि आपको जरूरत है. अगर आप डाइट फॉलो कर ही रहे होते तो हम लोग कैल्फर या मतलब कोई भी टैबलेट्स वगैरह वी वुडंट हैव स्टॉप्ड. या एग्जैक्टली. सो एनीथिंग फ्रेश लाइक यू नो वेजिटेबल्स विच यू आर टेकिंग फ्रेशली और इफ यू आर टेकिंग स्प्राउट्स प्रॉपरली I won't give you any supplements, but I know the generation. I am the part of the problem. Okay, so you're not taking it. So I'm giving you supplements because it is needed. Yes. Okay. Okay. Yeah. Yeah, that makes sense. Somebody has asked, ma'am, please give some diet tips. Okay. I guess maybe. Yeah, so I will start. Just something. क्या नहीं खाना है, ठीक है? Okay. तो गुड़, जैगरी. In any form, नहीं खाना है. If you are you're belonging to that part of area like Ahmednagar, जहाँ पे Ayurvedic is very much prevalent, I have no opposition against Ayurvedic treatment. ठीक है, well and good, good. लेकिन अगर आप thalassemia के लिए Ayurvedic treatment ले रहे हो तो make sure उसमें good ना हो as a main supplement. क्योंकि उसमें आई एम 100% श्योर, क्योंकि उनको लगता है इससे आयन बढ़ेगा, आयन बढ़ने से वो एच बी बढ़ेगा, तो उसमें गुड़ जरूर होगा. एंड आई एम ऑल्सो सीन पेशेंट जो 18-19 साल के हैं और वो रोज सुबह उठ के एक चम्मच गुड़ खाते हैं, विच इज रॉन्ग. ओके ओके, गुड़ नहीं खाना है. पोमोग्रेनेट इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. ये मत समझो एच बी कम है तो पोमोग्रेनेट खाएंगे, नो. ठीक है. एंड अगर ऐसा पहले बहुत पुराने जमाने में इफ यू नो कि ऐसे जो यूटेंसिल्स होते थे वो लोहे के बनते थे. अगर आप यू नो इफ यू स्टेइंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड दे आर स्टिल प्रिवेलेंट विद ऑल दोस प्रैक्टिस, आपका खाना वो लोहे के खाने में नहीं बनना चाहिए. ठीक है, बिकॉज द यूटेंसिल्स आयरन विल कम इन टू द फूड एंड यू आर हैविंग दैट आयरन एनरिच्ड फूड विच इज नॉट मेंट फॉर यू. ठीक है. सिंस वी आर इन महाराष्ट्र, शेवगा द ड्रमस्टिक वो नहीं खाना है आपको. ठीक है. अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विच आर आयरन रिच्ड आप उसको कम मात्रा में खाइए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत खाइए, कम मात्रा में खाइए. ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ और भी चीजें हो सकती है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम आयरन कुछ और भी सप्लीमेंट्स हो सकते हैं. एंड अगर आपके घर में हर एक चीज पे धनिया डाला जा रहा है तो डोंट डू. ओके, दिस इज व्हाट यू डोंट हैव टू डू. व्हाट यू हैव टू डू, अभी द निमोनिक फॉर दिस इज जो सफेद दिखे वो खाना है, दूध दही पनीर. Okay, have in whatever quantities you want, you can have it. Okay. Make a specific amount of time, जहाँ पे वो चेलेशन के आगे पीछे हैम्पर ना करे. Okay. Okay. आपके हर एक खाने के बाद have a black tea. Black tea में tannins ज़्यादा होगे, which is good for ferritin ये करने. उसके बाद what you have to do is आपके हर एक खाने में एक चम्मच white तिल डालना है. ठीक है. अच्छा. वो आप किसी भी फॉर्म में देते हैं white tea. ठीक है. उसको फ्लैक्स सीड्स नहीं बोलते, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, ओके आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. ओके, सो वी विल फाइंड दैट एंड वी विल पोस्ट इट. या हाउ यू कैन हैव इट, जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो, जैसे कि व्हाट वी डू इज पोहे में डालना, पराठे में डालना, यू कैन जस्ट मिक्स इट ऑन योर सब्जी, कैसे भी करके वन स्पून ऑफ तिल यू शुड हैव एवरी डे. ब्लैक टी आफ्टर एवरी मील यू शुड हैव, दैट इज फॉर श्योर यू हैव टू डू इट. ठीक है. ओके, यू कैन हैव kela as much as you want, anything white is okay with me. Okay, okay. Good. White is the color of choice. If you are having non-veg, if you having non-veg, then do not eat the kaleji wala part.
जो कलेजी वाला पार्ट है उसको मत खाइए, उसको किसी और को दे दीजिए. आई हैव नो प्रॉब्लम्स इफ यू आर ईटिंग फिश, मटन, चिकन, एनीथिंग इज गुड टू गो. उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है. हफ्ते में 3 बार अंडे खाइए, प्रेफरेबली द व्हाइट पार्ट, सो इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. एनीथिंग व्हाइट इज गुड फॉर मी. ओके, बट ऐसा आप डाइट फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिलेशन को फॉलो ना करें. चिलेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई मतलब देयर इज नो शॉर्टकट और देयर इज नो मतलब बाईपास टू दैट दैट यू हैव टू डू. ओके ओके ग्रेट. एंड ये जो डाइट है ये नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट जो है लाइक हु वाज ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट सेम थिंग काइंड ऑफ सिमिलर राइट. द होल डाइट फॉर यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि फेरिटिन कैसे कम करना है. सो दिस इज द डाइट जिसमें हम आयरन रिच फूड्स को कम कर रहे हैं. तो सेम थिंग व्हाट वी आर एंटिटीज एंड नॉन ट्रांसफ्यूज्ड उनको सिर्फ फेरिटिन मेंटेन करना है तो दे कैन फॉलो द सेम थिंग. ऑलराइट कूल. अगेन आई मीन अ फॉलो अप क्वेश्चन जो यहां पे पूछा है किसी ने, डू वी रियली नीड टू अवॉइड आयरन रिच फूड डेली, मतलब हम ले जैसा आपने बोला कम मात्रा में ले सकते हैं. क्योंकि अगर मैं चिलेशन ले रहा हूँ तो ऑफ कोर्स चिलेटर अपना काम कर ही रहा है, बट एक्स्ट्रा किस हद तक मैं ले सकता हूँ लाइक देखो यू नो इन द फूड. सी आई एम टेलिंग यू व्हाट, ये पूरा जो महाभारत है ना वो सीरम फेरेटिन कम करने का है. ठीक है, एच भी तो हम ट्रांसफ्यूजन से मेंटेन कर ही रहे. एग्जैक्टली. सो व्हाट एवर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थैलेसीमिया इज बिकॉज ऑफ आयरन जिसमें ऑलरेडी हम ब्लड बैग में वी आर गिविंग इट. सी व्हाट ब्लड यू आर गेटिंग इज व्हाट आई एम डोनेटिंग. आई हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एचबी. अगर मेरा एचबी 12 है तो ये मैं डोनेट कर पा रही हूँ. अगर मेरा एचबी 12 है तो उस लेवल का मेरा आयरन भी है. ठीक है, आई एम प्रॉपरली आयनाइज्ड जिससे भी मेरा बॉडी है वैसे करके. यू आर गेटिंग ब्लड ऑफ अ नॉर्मल आयरन बैलेंस बॉडी. ठीक है, नाउ थैलेसेमिक में बिकॉज ऑफ व्हाट एवर म्यूटेशन इट इज, एक तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि वो एचबी मेंटेन नहीं है बी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, आयरन लॉस भी नहीं हो रहा है, हर जगह आयरन ओवरलोड हो रहा है. ठीक है, हम चेलेशन भी ठीक से नहीं ले रहे इन स्पाइट ऑफ रिमाइंडिंग इट. बराबर. सो वो फिर एड ऑन क्यों करना है. एंड देन सी वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू कि नहीं ये नहीं ही खाना है, ये नहीं ही करना है. व्हाट वी आर सेइंग इज यू कैन हैव नॉनवेज, डोंट ईट द कलेजी वाला पार्ट. You can have dahi paneer, you can have eggs, you want to have green leafy vegetables, have it in your own level. Okay. You are in jail and you are not able to do anything. You are able to do everything. Yeah. The choice lies with us basically. I mean. Yeah, exactly. Right. Cool. Okay, yeah, what one can do if someone has osteoporosis, do you recommend any exercises? Yeah. अगर किसी को osteoporosis है, क्या आप उसे कोई exercises recommend करेंगे या what should they do? Yeah, so osteoporotic changes in thalassemia are seen because of the iron and because of the bone structure, calcium deficiency, which whatever the body structure is going on. So we definitely recommend the exercises, a complete फिजियोथेरेपी सेशन. ओके, सो फिजियोथेरेपी में आपको जो जो भी एक्सरसाइजेस सिखाई गएगी, व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन वी विल टेल आवर फिजियोथेरेपिस्ट टू अपलोड अ वीडियो व्हाट एक्सरसाइजेस अ थैलेसीमिक पर्सन कैन डू. सो दैट विल बी अ बेटर डेमोन्स्ट्रेटिव वे टू शो. Sure. Okay, is that and probably in another live session we can have somebody. Definitely we can do that. Okay. They can come with you and chit-chat a little bit, show some exercises. क्या करनी चाहिए? लेकिन right. osteoporotic along with the exercises, if your bone scan, DEXA scan is really, really bad, you will have to take a lot of supplements. An endocrinologist will be needed and an orthopedician will also be needed for your management. This is not an issue. ये issue neglect करने लायक नहीं है या ये issue ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा. वो और worse नहीं होगा if neglect. Okay. 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 And DEXA scan is. But it can improve, right? Yeah, it can definitely improve. It can definitely improve if taken proper care of. Or DEXA scan sirf disability card ke liye nahi hota. That is on point. Yeah. That is on point. Medical perspective है जिसके लिए हम हर साल DEXA scan कराते हैं.
if it is still worsening from your last DEXA scan, we need to put you on bifosphonates, which is the treatment, zolendric acid, क्योंकि आप में ग्रोथ हार्मोन कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी है, सो वी नीड टू डू दैट. ओके, यस, दैट मेक्स सेंस, टोटली. या इस पे तो मीम बनना चाहिए कि आई एम गिविंग यू मटेरियल, आई एम गिविंग यू कंटेंट, फ्री मटेरियल. या परफेक्ट. ओके, या जस्ट अ क्विक वन, व्हाट एचबी लेवल शुड बी मेंटेन्ड इन थैलेसीमिक्स? यस, सो based on the transfusion regimen, ये HB level के transfusion regimen है. So we, for your गाड़ी का mileage to be 60 to 70 years and 80-90 is bonus, मतलब इतना तो नहीं जीना चाहिए आजकल ये करके. So we will require an HB of 9 to 10.5 to reach that average. But if your child is going for a transplant, तो हम लोग उसको हाइपर ट्रांसफ्यूजन रेजिमिन पे डालेंगे, जहाँ पे हम उसको मतलब ज्यादा ये ब्लड देंगे, कम फ्रीक्वेंसी, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी में देंगे, मतलब 70, सो मेंटेन एचबी अबाउट 12. ओके, एंड द समटाइम्स इफ योर लिवर एंड स्प्लीन साइज इज रियली इंक्रीजिंग, मतलब वो बहुत बढ़ रहा है, तो अगर आपका एचबी, उसके लिए भी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एचबी मेंटेन नहीं है तो वो लिवर एनलार्जमेंट एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट दिखेगा. So it is not HB, it is the overall how you are manifesting, कि आपके extramedullary hematopoiesis कैसे है, आपका liver spleen size कितना है, how your chelation is going on that basis हम लोग पूरा overall आपका holistic approach बनाते हैं, ये करके. अगर आप transplant के लिए हो और आपका HB level, अगर आपका liver spleen नहीं है तो HB of 10 and everything is also good to go. Okay, okay, okay. And मतलब ऐसा जरूरी है क्या, लाइक पोस्ट ट्रांसफ्यूजन भी हमें एचबी कराना चाहिए? मतलब नहीं, इज इट रियली नेसेसरी? नो 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 नो, ओनली मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं, सी एक और करा के नहीं, ओनली योर प्री ट्रांसफ्यूजन एचबी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट आई विल नो कि मुझे आपको कितना ब्लड देना है. नॉर्मल ब्लड आपको, सी व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज यू शुड नो दिस, ठीक है, आपका नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज 15 to 20 ml/kg, मतलब आप 10 kg के हो तो आपको 200 ml जाना चाहिए टू रीच द लेवल ऑफ 9 to 10.5 और वॉट एवर इंक्रीज वी वॉन्ट टू सी इन योर एच बी. तो आप 20 kg के हो तो आपको 400 या ऐसे करके, सो वन फुल बैग इन 3 to 4 hours इज द मैक्सिमम रेट जिसमें हम दे सकते हैं. ज्यादा जल्दी जो आप लोग ट्रांसफ्यूजन हम लोग नहीं देखते, जब रेट बढ़ा देते हो ना, दैट विल कॉज ओवरलोड टू द हार्ट. हार्ट में ब्लड जाता है, वो पंप होता है, उसका एक कैपेसिटी है, उसको एकदम गुश करके डाला तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. ओके, इसीलिए 15 to 20 ml/kg इज आइडियल. इस बीच में हम आपको मतलब वो ट्रांसफ्यूजन ओवरलोड ना हो जाए, दैट्स व्हाई वी गिव यू इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरीथिंग द इंजेक्शन व्हिच इज गिवन. ओके, मतलब ब्लड थिनिंग या ऐसे? ब्लड थिनिंग नहीं, इट इज जस्ट कि आपका डायरोसिस बढ़े और आपके हार्ट पे ज्यादा प्रेशर ना आए, ना पड़े. ओके ओके, दैट मेक्स सेंस. हम किसी ने पूछा है कि सिरोलिमस टेबल क्या काम करता है, नॉट टू श्योर व्हाट दैट इज. या विल टेक दैट. ओके, परफेक्ट, कूल. सो दैट इज टेकन. ओके, व्हाट आर द नेसेसरी एवरीडे मेडिसिंस फॉर थाल मेजर patients? Okay, I will start with the column I have in mind. First thing, I will take blood as the medication. Okay, that is a medicinal purpose. वो आपको ठीक करता है. Yes. So whatever 21 days regime you are following, regular transfusion regime, super transfusion regime you are following, जो doctor आपको date देता है, उस date के आगे एक दो दिन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बुलाया 26 जून आप आ रहे हो अगस्त में, that is not done. Okay. Okay. That is absolutely not done. टेक योर आयन चेलेटर्स प्रॉपरली. अगर आपका एक आयन, जैसे कि आप कैल्फर पे भी हो, डेसीरॉक्स पे भी हो, तो टेक इट प्रॉपरली, स्पेस इट आउट प्रॉपरली. अनदर थिंग विच आई लाइक टू डू इज कि आप कैल्शियम लीजिए. छोटे बच्चों को कैल्शियम आपको जरूरी है फॉर ग्रोइंग बोन्स, एंड फॉर एडल्ट कैल्शियम इज नेसेसरी टू
not worsen your osteoporotic changes if already there. Because zinc is necessary, as we have already discussed. Vitamin C is also very much necessary. So, aap vitamin C ka bhi aapko chewable form mein ek tablet lena hai. OD, any time of day you can take it. Okay. Multivitamins are necessary, but obviously you have to consult your treating hematologist for all this tablet. Okay. Based on your everything, your DEXA scan, your MRI scan, another program will be added as per your DEXA scan or your MRI overload, whatever it is. If you have diabetes or if you have a growth hormone related issue or a hormonal issue, then your endocrinologist will add the medications which is required. Lekin, whatever the basic chart is, it is this. Okay. But still, I would request everybody to definitely consult with their hematologists. Yes. And if you are really want to dive deep into your technical or khud ka jo personal problems hai, you can definitely contact Lisa ma'am personally, and she will definitely consult you on that. Anytime. Okay. Mm-hmm. Perfect. Cool. Yes, so this is something that we ask everybody, you know, that comes on our live. Maybe you can answer that way better. Is how do you make your veins better over time? You know, it may be because of multiple transfusions, or how do you make the site of the chelator, like desferal, jab hum lagate hain pet mein, thighs mein, arms mein, jahan pe bhi. तो वो काफी ऐसे हार्ड जैसा हो जाता है, एंड यू नो इट पेन्स अ लिटिल बिट. हाउ, व्हाट आर सम रेमेडीज टू इम्प्रूव दैट? सो फर्स्ट थिंग इज, आई विल टेल यू वन थिंग. अपने मतलब यू हैव सीन ऋतिक रोशन, यू हैव सीन टाइगर श्रॉफ एंड एवरीबॉडी, हैव यू सीन देयर वेन्स? ओ यस. या ठीक है. सो वेन्स तब दिखेंगे व्हेन योर मसल लेवल इज प्रोमिनेंट, नॉट योर सबक्यूट फैट इज प्रोमिनेंट. So, to decrease the subcutaneous fat, you need to exercise. Okay, I am not saying that you become Tiger Shroff or Hrithik Roshan, you start showing your abs. Just do the normal half an hour exercise or 1 hour exercise, which we want you to do, which is beneficial to you in many ways. Okay, so you need to exercise, put your physiotherapy, yoga, jo tumhe karna hai, you need to do the exercise to reduce the fat level and increase the muscle level, taki aapki prominently aaye veins. Second thing, drink water. 3 liters to minimum. I am not saying ke 3 baatli pani tum gadgada jao. Have fluids 2 to 3 liters per day in any form. You can have juice, you can have chas, you can have water. Just take fluids. Usme kya hoga, wo veins prominent. ठीक है. नाउ कमिंग टू सबक्यूट डेस्पराल लेवल. अभी क्या होता है ना कि हमें जो कन्वीनियंट होता है वो हम वही करते हैं. तो हमें एक साइट कन्वीनियंट है लगाने को, तो वो साइट पे हम किए जा रहे हैं, एंड दैट हैज बिकम थिक नाउ. सो व्हाट वी रिफर, व्हाट वी टेल, अगर आपने जब सब पे डेस्पराल का आपको इंट्रोडक्शन दिया गया होगा तो उन्होंने बोला होगा कि साइट रिपीट मत करना या फिर साइट रोटेट करना. सो देर आर ऐसे क्रॉस बना के दिए होंगे, यू कैन सी द डायग्राम अभी दिमाग में, के ऐसे डायग्राम दिया होगा कैमरा में, ये थाइस में, रोटेट द साइट. ठीक है, यू कैन डू दैट. इवन इफ इट इज स्टिल हार्डर, देर आर क्रीम्स, थ्रोम्बोफोब है, देर आर सिलोडम मिक्सी, जिंक बेस्ड क्रीम्स होते हैं, बट यू विल हैव टू कंसल्ट अ हेमेटोलॉजिस्ट फॉर दैट. दिस इज जस्ट ऐसे मैं बोल रही हूँ जनरल कॉन्सेप्ट में, इट डज नॉट अप्लाई टू यू स्पेसिफिकली और वन एग्जैक्टली. यू बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिकेशन प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर. ठीक है, जिसने तुम्हारा कुंडली बनाया है उससे बात कर, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, करेक्ट, डेफिनेटली डेफिनेटली. ड्रिंक वाटर, प्लीज ड्रिंक वाटर, प्लीज एक्सरसाइज. वो वेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. इफ स्टिल यू आर हैविंग अ वेन प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू कैन पुट थ्रोम्बोफोब, जो आपको पता ही है, बताया ही है, सबके पास होता है. हाँ, मतलब वेन्स में भी लोग, जैसा आपने चिलेशन लेते टाइम पंप का वो रीजन है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली हम लगाते हैं, वेन्स में भी ऐसा है. मतलब बहुत लोगों को कंफर्टेबल है, हाथ के एक पॉइंट में दिखता है अच्छे से. हाँ.
तो वो वहीं पे लगाते रहते. इज इट इम्पोर्टेंट टू रोटेट दैट ऑल्सो लाइक यस नहीं हो? देयर सी व्हाट हैपेंस इज कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं ना, मैडम इधर नहीं लगाने का मेरे को बहुत दुखता है, इधर नहीं लगाने का मेरे को मोबाइल यूज नहीं करना होता है, मैडम इधर नहीं लगाने का वो जलता है. सी दिस इज नॉट द वे. वो इंट्राकेट भी ना मतलब इतना आसान नहीं होता. आई एम टेलिंग यू अ यस बोन मैरो एग्जामिनेशन टू डू इज इजी रादर देन पुटिंग एन इंट्राकेट, क्योंकि मुझे ओके नहीं पता कि वो कहाँ से आउट जाए ऐसे कर, बिकॉज द वेन आर यू नो थ्रोम्बोलाइज्ड एंड एवरीथिंग ऐसे कर. यस तो यस वेन आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ और यहाँ पे ये रहेगा, प्लीज लेट मी डू दैट. इट इज नॉट एज पर योर कन्वीनियंस, इट इज एज पर माई कन्वीनियंस. आई कैन अंडरस्टैंड हाँ हाँ ये जरूरी है. आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज इरिटेटिंग और इट इज पेनफुल. आई कैन रियली अंडरस्टैंड तुम्हें दर्द होता है, हमें भी होता ही है. ओनली थिंग यू आर एक्सप्रेसिंग इट, आई कैन नॉट एक्सप्रेस ये करके. और एक इंट्रा कैच जब बच्चे का आउट जाता है ना, ब्रेकअप से भी ज्यादा दुख होता वाओ है. या बिकॉज हमें दैट पता इज है दूसरा सम वेन नहीं कॉन्सेप्ट. मिलने वाला. आई नो दूसरा वेन नहीं मिलने वाला. एक या दिस इज हाउ इट इज. कूल. या वी आर अगेन ऑन अ क्वेश्चन. या व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग वैक्सीन. सो वैक्सीन का सेशन लेते हैं एक फटाफट. एवरी प्रिकॉशंस विच यू ऑलरेडी टेकिंग नाउ. ओके सैनिटाइज योर सेल्फ, वेयर अ मास्क, डोंट वेयर अ क्लोथ मास्क. इफ यू आर वेयरिंग अ क्लोथ मास्क, डबल मास्क विद अ थ्री प्लाई मास्क, मतलब दो गज की दूरी रखो. इट इज नॉट लाइक यू नो यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. वेन यू गो टू द वैक्सीनेशन सेंटर, वॉट एवर ड्रिंक और वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, ईट इन योर कार प्रायर टू इट. डोंट रिमूव योर मास्क फॉर वॉट सो एवर. यू नो टेक योर वैक्सीन, टेक योर फोटो, अपलोड इट, वी विल लाइक इट. कम बैक, डू नॉट रिमूव योर मास्क. सैनिटाइज योर सेल्फ आफ्टर यू कम फ्रॉम देयर. रिमूव ऑल योर क्लोथ्स, पुट इट इन योर वॉशिंग मशीन. टेक अ बाथ आफ्टर यू कम फ्रॉम अ वैक्सीनेशन सेंटर, बिकॉज वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है. दिस इज ओनली द जनरल राइट प्रिकॉशंस विच वी हैव बीन टेकिंग. जस्ट टेक दैट. सिंस यूर थैलेसीमिक्स, यू आर नॉट लेबल्ड फॉर अ स्पेशल. या एंड टेक योर यूडीआईडी कार्ड विद यू. अगर आपके पास आपका यूडीआईडी कार्ड है तो आपका नंबर फास्ट फॉरवर्ड होके यू विल बी गिवन ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी. आई सी. या इवन इन वॉट एवर स्लॉट यू आर, वॉट एवर टाइम यू रीच, दे विल हैव टू गिव यू द वैक्सीन इन द फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके ओके सो लाइक प्रिविलेज थोड़ा एक. हां ओके एक ही प्रिविलेज है, तुम्हें फास्ट मिल जाए. ठीक है नाइस. हाँ कुछ लोग कह रहे हैं पहले स्लॉट तो मिले उसके बाद. उसके लिए अलग सेशन करेंगे आप. श्योर डेफिनेटली. ऑल राइट वन अदर फॉलो अप क्वेश्चन इज बाय समबडी हु नेम्स एज बिग फैन. उसने अपना नाम दिया है बिग फैन. ओके तो इज सेइंग और शी इज सेइंग क्या बोलते हो कोविशील्ड लगवा लू क्या? अभी तक क्यों नहीं लगाया? एंड अगेन अ फॉलो अप क्वेश्चन इज प्लेटलेट्स कम है लेकिन आप बताओगे तो कल ही स्लॉट बुक करूंगा ओके. या इफ यू आर नॉट करूंगी. बीन वैक्सीनेटेड प्लीज गो वैक्सीनेट योरसेल्फ. द केसेस आर राइजिंग अगेन. हमारे हॉस्पिटल में लास्ट वीक्स ओनली 12 पेशेंट्स वर देयर, 6 इन आईसीयू. करंटली वी आर हैविंग 63 पेशेंट एंड आज ही हमने 7 और एडमिट किए. सिंस लोनावला, खंडाला, सतारा, धीरे धीरे पर स्पॉट्स ओपन हो रहे हैं. सेंटर एवरीथिंग हैज ओपनड अप. द केसेस आर आल्सो राइजिंग. देयर इज अ न्यू वेरिएंट कॉल्ड डेल्टा वेव व्हिच इज वी डोंट नो हाउ इट इज गोना एक्ट, बट वी नो दैट दिस वैक्सीन वर्क्स ऑन दैट म्यूटेशन आल्सो. सो प्लीज प्लीज वैक्सीनेट योरसेल्फ. दोनों डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेटलेट कम होने का यू हैव टू शो इट टू योर हेमेटोलॉजिस्ट. mostly platelet ka as in till if it is 1 lakh it is till 50,000 we are okay with it. If it is less than that okay. also we need to evaluate kyun itne kam hai. So okay iske liye please show it to your hematologist. If it is okay do not rely on the reports. kabhi kabhi platelet kam hone aur actual platelet kam hone mein aur smear mein dekhne mein platelet aur bhi kam milte hai. please evaluate Achha. yourself. if your platelet is less than 1 lakh consult your whatever daycare in charge or everything is. क्या
तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई वैक्सीन नहीं, मतलब जैसे अगर प्लेटलेट्स कम है तो मुझे कोविशील्ड नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ? इट्स नॉट नहीं, ओके नथिंग. ओके कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है, इट इज नॉट लाइक दैट. जस्ट वैक्सीनेट योरसेल्फ, दैट्स द बॉटम लाइन. और आई थिंक समवन हैज आस्क्ड कोविड वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, व्हिच आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. इफ यू हैव फीवर और समथिंग लाइक दैट, यू कैन टेक पैरासिटामोल. मोस्टली इट इज सीन दैट 36 आवर्स तक वो मतलब वो वैक्सीन का इफेक्ट रहता है, आफ्टर दैट इट इज ओके, यू आर नॉर्मल. ओके ओके कूल. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो व्हाई डू थैलेसीमिया पेशेंट्स फेस फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर्स यू नो एंड माउथ ड्राइनेस? दैट व्हाट कुड बी बिकॉज डन टू ड्रग प्रिवेंट दिस? टॉक्सिसिटी ये करके. ओके इफ यू आर फेसिंग इट, कंसल्ट योर डॉक्टर. वी विल हैव टू चेंज द वे यू आर टेकिंग द मेडिकेशन. शायद आप बहुत कम कम फ्रीक्वेंसी में सारे मेडिकेशंस ले रहे हो. वी नीड टू स्पेस आउट ओके एवरी वैक्सीनेशन. देर इज समथिंग कॉल्ड जाइटी ट्यूब जो आता है, उसको हम लगा सकते हैं. इट वर्क वंडर. विद इन 48 आवर्स यू विल सी दैट थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूविंग. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. What someone has commented के exercise और water is the only solution to everything. Yes. रामबाण रामबाण इलाज है वो. Drink a lot of water and probably you are having, क्योंकि see every body is not the same. What works on me might not work on you. मेरे पे डोलो 650 काम किया तो तुम्हें शायद ना काम कर रही. You will just require a paracetamol. So अगर सारे chelations मेरे पे properly काम कर रहे without any drug toxicity, then it might not be working on you. So we, हर एक इंसान का अलग बॉडी टाइप होता है, अलग चार्ट होता है. सो वी नीड टू स्पेस आउट, वी नीड टू सी वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है. तो ऐसा मतलब स्ट्रेस की वजह से या कुछ स्पाइसी खाने की वजह से भी होता है क्या मतलब? नहीं, लेकिन अगर तुमने वो छाले हुए और फिर भी तुम स्पाइसी खा रहे हो, देन इट इज रॉन्ग. समटाइम्स वॉट हैपन्स इज कि कभी कभी वॉट पीपल आर प्रोन टू इट इज कि अगर आपका मल्टीविटामिन आप विटामिन लेवल ठीक नहीं है, जिंक की कमी है, देन ऑल्सो यू आर मोर प्रोन टू इट. ये करके मोस्टली अगर हम लोग कीमोथेरेपी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें जब न्यूट्रोपेनिक स्टेज में आता है, जब आपके WBC बहुत ही कम हो जाए, उसमें न्यूट्रोफिलिक बहुत ही कम हो जाए, तब आपको वो ड्रग टॉक्सिसिटी वगैरह बहुत ज्यादा लगने लगती है. देन सो इफ यू आर फेसिंग दिस, कंसल्ट योर डॉक्टर. या फिर यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो, बट आई विल हैव टू टेक अ थरो हिस्ट्री एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग. इट कैन नॉट बी डन ऑन एन ओपन सेशन लाइक दिस. राइट मैम, एक फॉलोअप क्वेश्चन आया है वैक्सीनेशन पे. अगर स्क्रीन रिमूव हुआ है तो वैक्सीनेशन ले सकते हैं क्या, पूछा गया? यस. तो ऑलराइट. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सो दीज आर समथिंग सम क्वेश्चंस typical to female warriors. So I will just ask them and you can just give your opinion on them. Okay. So the question is, I used to get normal menstruation, but since past 1 year, the flow is good in the first 2-3 days. And then in the later days, there's hardly any flow. Okay. So what has happened is, jo aapka normal cycle tha, which is coming regularly, and if it is as per whatever the loss is supposed to be, and if it is first 3 days or baad mein ye hai, so I think you are still facing a normal thing. Lekin check with your endocrinologist if your growth hormones and if your FSH, EHS, estrogen level are normal or not. If she feels it is okay, then it is okay. But if you need to be get tested or aapka annual testing nahi hua hai, प्लीज गेट योर सेल्फ टेस्टेड. इफ यू आर हैविंग, इफ प्लीज इवेल्युएट योर सेल्फ. अगर आपके और भी कोई प्रॉब्लम है बियॉन्ड जस्ट द मेंस्ट्रुअल मतलब साइकल्स, कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे पेन होता है या फिर यू आर गेटिंग इरिटेबल, यू नो इफ यू आर फीलिंग वेरी हंग्री और थर्स्टी ऑल ऑफ द सडन, देन इट माइट बी लीडिंग टू हार्मोनल चेंजेस विच नीड्स टू बी इवेल्युएटेड. ओके yeah ma'am, another question on similar lines is, do thalassemia females suffer from PCOD? How anybody to overcome can suffer from PCOD, anybody. okay kyunki okay. hamara generation, because of whatever eating habits we are cultivating and whatever the environmental changes are happening with us, PCOD, polycystic ovarian disease, is 80% present in population currently.
अगर आप किसी को देखते हो जिसका एक्सेसिव वेट हो रहा है, जिसको एक्सेसिव ब्लड फ्लक्चुएशन अचानक से होने लग गए हैं, प्लीज टेल देम टू कंसल्ट अ डॉक्टर. शी माइट बी गोइंग थ्रू पीसीओडी. इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं, वेट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, हेयर लॉस होता है, बहुत गुस्सा आ जाना, अचानक रोना आ जाना, दिस आर ऑल द सिम्टम्स. एंड एनीबडी, इवन इन आर मेडिकल फील्ड, आई नो if I have 10 friends, 8 of them have PCOD. Anybody can go through PCOD. It is just one evaluation, thoda sa ek USG, ek test, and your hormone level will be checked, and it is just one medication aapko diya jayega, and you will be good to go. Okay. Yeah. Yeah. Cool. Okay. So another question on a topic is tattoo. So can thalassemia majors get tattoo? Is it a safe option for them? Problem kya hai? Go ahead. YOLO. Go ahead. What YOLO. Yes. You only live once. Yes. See, only thing is, get it from a professional person who is using professionalism in whatever he is doing. Make sure a fresh needle is used. Make sure you can go through that pain. ठीक है, अगर मतलब शिवजी बनाना है हाथ में तो उतनी ताकत रखना. ऐसा नहीं कि तुम बागा बीच पे हो और वहां से टैटू करा रहे हो. दैट इज नॉट कॉल्ड अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. ओके, दैट नीडल विल बी यू नो प्रोबेबली दैट डाई प्रोबेबली विल बी यूज फॉर 3 to 4 पर्सन. वो तुम्हारे सामने ही रैपर खोलेगा, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे जाने के बाद वो वापस रैपर वो मोमबत्ती से सील भी कर सकता है. ओके, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रोफेशनल. वो 500 रुपए का टैटू मत बनाना. ओके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोन फॉर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन प्रोबेबली थ्रू दैट ब्लड बैग. डू नॉट गेट इट फ्रॉम बागा बीच एंड क्लेम इट ऑन द ब्लड बैंक. दैट मेक्स सेंस टोटली. या ओके, मतलब इतने ऑलरेडी चीजें या अपॉर्चुनिटीज है ऐसे हेपेटाइटिस या ये सब चीजें लेने की, देन व्हाई क्रिएट एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी. या एग्जैक्टली. सो इफ यू नो दैट ही इज अ स्टैंडर्ड आर्टिस्ट हु बिलीव्स इन प्रोफेशनलिज्म. आई हैव सीन वेरी गुड आर्टिस्ट आल्सो, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे मेंटेन द हाइजीन लेवल, दे नो व्हाट आर दिस थिंग. सो दो, इट इज वेरी पेनफुल. अगर तुम सब कुछ डेस्परल नहीं लगा सकते तो टैटू मत कराना, और अगर टैटू करा रहे हो तो फिर सब कुछ डेस्परल लगाना पड़ेगा. ओके, इट इज वेरी पेनफुल. ओके, समटाइम्स पीपल, आई हैव अ फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, उसने टैटू कराया था एंड ही हैड एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस टू इट एंड द होल आर्म वाज स्वोलन. तो पहले टेस्ट कराना, वेट इट फॉर 12 आवर्स और समथिंग, सी इफ यू आर गेटिंग रिएक्शंस और नॉट. क्योंकि कभी कभी वो नीडल से, कभी कभी वो जो एंटीसेप्टिक जो लगाते उससे, और कभी कभी वो डाई से स्पेसिफिकली हो सकता है. सी, दिस इज ऑल व्हाट यू आर नॉट थिंकिंग. यू आर जस्ट थिंकिंग कि कौन सा टेस्ट कराना है. यस, या राइट. वो कंडीशंस अप्लाई वाला रहता है, स्टार मार्क, वो वही ये चीजें हैं. इफ यू वांट टू हैव अ टैटू, गो अहेड एंड हैव अ टैटू, बट टेस्ट डोज कराओ, गेट इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन. देर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि तुम थैलेसेमिक हो तो तुम ये नहीं करा सकते, बट गेट इट फ्रॉम अ प्रॉपर हाइजीनिक प्लेस. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. ओके, ऑसम. वन क्वेश्चन इज ऑन ज़ोल्डोनेट इंजेक्शन इफेक्टिवनेस एंड इज इट सेफ. या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इफ यू हैव ऑस्टियोपोरेटिक चेंजेस ये वगैरह, कंसल्ट योर ऑर्थोपेडिशियन. इट इज सेफ, हमने सारे बच्चों को दिया है. हाँ, राइट. Okay. Calcium and vitamin D should be taken continuously or with breaks? See, vitamin D na, what happens is, hum Indians na, vitamin D level mein already kam. Jaise ki Indian women's iron mein already kam hai. So what happens is, vitamin D levels jo hote hai na, usko ek scheme, matlab that is a dosage formation. Okay, you have to take 6 doses, matlab, you know, 1 month up, 6 weeks apart, everything. So follow that. Aur har ek cheez ke liye na alag alag hota hai. Chote bachcho ke liye sachet form mein aata hai. Then there will be a tablet form for another. There are different form of vitamin D. So you need to consult a hematologist as per your weight, as per your age. Wo log aapko batayenge. So in that form, you have to do it.
ठीक है. सो एनुअली वी विल बी चेकिंग योर विटामिन डी लेवल एंड एवरीथिंग विच इज मोस्टली गोना कम लेस, क्योंकि एज इंडियंस वी हैव इट लेस. इसको एक और तरीके से भी देखा जाता है कि यू नो गेट द नेचुरल सनलाइट. जब सुबह 8-9 की जो हल्की हल्की सी धूप होती है, गो देयर, हैव अ कप ऑफ कॉफी, हाफ एन आवर, 15-20 मिनट्स, एक्सपोज योर सेल्फ. द बॉडी एब्जॉर्ब्स विटामिन डी फ्रॉम थ्रू द सनलाइट ऑल्सो, एंड दैट विल एटलीस्ट 1% ट्राई टू कवर इट अप फॉर दैट. ओके. एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमें इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि अपनी बॉडी कैल्शियम को नहीं ये कर रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द आयरन टॉक्सिसिटी, बिकॉज ऑफ द बोन फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस, वी नीड टू टेक कैल्शियम. सो द अर्लियर यू स्टार्ट, द अर्लियर दिस थिंग. एंड एनी वेज इन इंडियन पॉपुलेशन आफ्टर 40 वी आर गिविंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स टू ऑल. सिंस अपनी बॉडी नहीं ये कर पा रही है, देयर आर ऑस्टियोक्लास्ट एंड देयर आर ऑस्टियोब्लास्ट, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, प्लीज टेक कैल्शियम. एक है क्वेश्चन. सो माय फ्रेंड डोनेटेड ब्लड नियर माय होम ब्लड बैंक, बट द ब्लड बैंक इज गिविंग यू नो द ब्लड लेट्स से 1500 चार्ज कर रहे हैं, बट दे सेड दे विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट. सो जस्ट एन ओपिनियन ऑन दैट, लाइक ओके. सो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता. देर इज स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी एंड देर इज नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमिटी. दिस इज फॉर्म बिकॉज थैलेसीमिया को रेगुलरली या क्रॉनिक अनीमिया को रेगुलरली ब्लड मिलता था, एंड देर आर लॉट ऑफ डिजीज विच आर इंक्लूडेड इन दिस. सो द गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू गिव दैट ब्लड फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास वो कार्ड है तो, ठीक है. If your friend has been donating blood and if he is promised, then it is the ratio between the blood bank, you and the patient. Okay? Yes. A third person sitting in Ahmednagar cannot comment on that. But yes, if you have an SBTC card and if you have an NBTC card or agar blood bank ne blood dene se mana kiya hai, you can report to the blood bank, you can report to the SPTC committee saying that this blood bank is not, and then the committee will take charge on it. Okay, this okay. location okay. is that is there. Lekin jahan tak mujhe my experience with blood bank goes, in Pune, Mumbai and Ahmednagar where I have worked, no blood bank with an SBTC card has ever dejected someone. Haan, lekin agar unke paas really really shortage hai, so they will refer you to the blood bank jahan pe blood mil raha hai. They will themselves arrange blood for you and tell you to go there. Everybody is human in the whole process. So they support us also. Yes, I mean, definitely. They will support us. Okay, perfect. Ma'am, ek question aaya hai yahan pe. I have HCV positive, but HCV comes negative in reports. Should I go for vaccination or not? You consult a hepatologist. First check if you are doing an agar HCV RNA hai to wo definitely liable lab se hi hoga. But plus see that consult your hematologist ki aisa kyun ho raha hai. Probably you are HCV positive lekin serological markers mein kuch to problem hai. You need to sort that out. Sort this out and then go for vaccines. Simple. Okay. Okay. I question have, how can we get our blood clotting time in range? Probably because of reduced platelets. Thalassemia, first thing, okay. Second thing, blood clotting time ko kyun range mein lana hai if you're not bleeding. If you're bleeding, then first thing, clotting time and bleeding time is an absolute test. Abhi mostly koi nahi karta. It is normally PT, APTT. और INR करते हैं अगर आपके प्लेटलेट्स कम है, या तो आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल है एंड स्टिल यू आर ब्लीडिंग फ्रॉम समवेयर, या आपको इजी ब्रूजेबिलिटी हो रही है, ठीक है. देयर इज नो सच मेथड कि जिससे ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम ठीक हो जाए, विच इज 13-14 सेकेंड्स. लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इफ योर ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम इज नॉट प्रॉपर, एंड इफ यू आर ब्लीडिंग टू मच तो वो प्रॉब्लम, अगर मतलब वी नीड टू गो टू द डायग्नोसिस ऑफ इट. Get the diagnosis, get the test done which is required, and then treat you accordingly. For thalassemics, bleeding time is bang on. Tumhe koi problem nahi hai bleeding mein. Problem nahi hai. Theek hai. Yeah.
एक ब्लड डोनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई अगर ऑट्रिन ऑट्रिन करके एक मेडिसिन है, इफ दे आर ऑन दैट मेडिसिन देन कैन दे डोनेट ब्लड, इज इट फाइन और नॉट? I don't know the so I think component of ottrin is yeah they also mentioned the medicine is of iron. So I guess अगर आप iron पे हो, ठीक है, that is अगर see the only thing is कि अगर आपने within 3 months blood donate किया है कि नहीं, that is the contraindication. If you are recently changed of any medication, that is the contraindication. अगर आपका Hb12 से ज़्यादा है, mostly जो test करते हैं कि drop डालते हैं और drop dissolve हो जाता है. And if you are not having a recent change in any infection, अगर आपको कोई infection हुआ है and everything, whatever the blood criteria are, you can donate blood, that is it. Only thyroid वगैरह या आप hormonal supplements पे हो या आप antiviral treatment पे हो, and if you're not lying to your doctor, that is only the contraindication which is taken for the blood donation. Okay, perfect. Yeah, past hepatitis C now inactive. Does it affect the liver? Can it be active again? It can be active again. That's why हम लोग annual test कराते हैं ये सब चीजों का. And suddenly अगर आपके liver enzymes ऊपर नीचे हो गए हैं, and you know it is liver enzymes bilirubin is increasing, SGOT, SGPT is more than 3 times, then we will do your HCV test and everything. And if it can be active, please take precautions. अगर आपकी tablets वगैरह hepatologist ने आपको suggest किया है, please do the all the antivirals and everything, take it properly. Do a proper due course. Perfect. Yeah. Okay. Okay. So दोस्तों मैं और questions नहीं लूँगा जितने हमारे पास list में हैं. I'll just you know finish them up. Yes. काफी questions और आ रहे हैं, but yeah. All right. Quickly. So defrigerate FCT. How much gap do we need to keep from food intake? So defrigerate film coated tablet. I will suggest 15 to 20 minutes. Okay. Perfect. yeah. A saline wash or leukodepleted blood? Leukodepleted blood any time. Any day, any time. Saline wash mostly abhi labs wale khud hi unke procedures hote hain. But leukodepletion definitely. Definitely go for leukodepletion. Okay. If aapki day care provide kar rahi hai, filters, bang on. If not, aap jaise ki crowdfunding kar sakte hai, sare patients ikhatta milke, get it on a bulk order and do it for monthly basis, that also can be done. Yeah. Yeah. Okay. And mostly, I think your blood bank is providing leukodepleted by themselves, right? Right. Yeah. So some blood banks do provide it. Yeah, that is good. You're lucky enough. Okay, wo kar rahe. That is one of the best methods to leukodeplete. अगर ये हाफ लाइफ के बारे में है तो डेस्पराल इज फॉर 2 to 3 hours ओनली, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन इन कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन्स. इसीलिए यू नो इवन आईवी अगर जब हम देते हैं, जब आपका लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाता है, इन कार्डियक टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस टू मच, वी गिव इट फॉर 21 डेज इन हॉस्पिटल एंड कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, क्योंकि वी नीड टू गेट दैट थ्रेशहोल्ड के वो जेलेट को बाइंड हो के यूरिन फीसिस में निकाले. एंड योर ऑल्सो वाटर इनटेक इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपका वाटर इनटेक ज्यादा नहीं होगा तो वो यूरिन में निकलेगा नहीं. दैट्स हाउ द आयन कम्स आउट ऑफ द बॉडी इफ यू नो ऐसे कर. तो ओके ग्रेट. या इज इट सेफ टू क्रॉस मैच ब्लड कलेक्टेड 15 डेज प्रायर? इट इज सेफ व्हेन यू डोंट हैव फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड. यस इट इज सेफ ऑलवेज. इट इज मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको 7 दिन का ही ब्लड दे, 7 डेज, बट समटाइम इट इज नॉट ये करके, लेकिन वो अनसेफ नहीं है आपके लिए अगर 7 दिन का मतलब ज्यादा भी दिन का मिले. इट इज नॉट अनसेफ. ओनली थिंग इज सिंस योर बॉडी हैज लॉट ऑफ प्रीकर्सर्स इन योर दिस थिंग, ब्लड आरबीसीज मैच्योर नहीं हो रहे, वी डोंट वांट टू गिव यू अ प्रोलॉन्ग सेट ऑफ आरबीसीज अगेन, क्योंकि इट विल कॉज जस्ट एन ओवरऑल डैमेज. सो इफ यू नॉट गेटिंग 7 डेज एंड इफ इन इमरजेंसी केसेज यू हैव टू टेक सच थिंग्स, इट इज ओके, इट इज सेफ
इनफ, उसे ये नहीं होता कि आपको रिएक्शन का चांसेस वगैरह, इफ इट इज ल्यूको डिप्लीटेड दैट इट इज टेकन केयर. बट ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फ्रेशनेस ऑफ द ब्लड इज इम्पोर्टेंट, या मतलब यस 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 दैट्स व्हाई अगर आपको फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड नहीं मिलता, योर हेमेटोलॉजिस्ट इज सेइंग के डोनर लेके आओ, यू नो, दैट्स व्हाई ही इज इंसिस्टिंग के अगले दिन डोनेट करो एंड देन यू गिव द ब्लड नेक्स्ट डे, द फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड. एंड इट इज एक्चुअली अ सर्कल ना, मतलब मैं डोनर लेके आऊंगा तो किसी को फ्रेश ब्लड मिलेगा एंड वो भी डोनर लाएगा तो मुझे फ्रेश ब्लड मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. एग्जैक्टली. एंड अभी ऐसा नहीं है. सी व्हाट आवर जनरेशन इज, व्हाट वी जनरेशन इज, इन पीपल आर रेडी टू डोनेट ब्लड, ओनली दे नीड टू बी गेटिंग अवेयर ऑफ इट, दे आर हैप्पी टू डू इट. उसके लिए है हम लोग, हाँ, अवेयर करने के लिए. एग्जैक्टली. ओके. या आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम थैलेसीमिया वॉरियर, बट मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है. मेरा टीएलसी काउंट है 2.8K एंड प्लेटलेट 90,000 टू 1 लाख, तो वैक्सीन लेना चाहिए. ओके. सो फॉर दैट इट इज अ वेरी ग्रॉस रिपोर्ट. मुझे आपका न्यूट्रोफिल काउंट भी लगेगा टू गेट द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल दिस थिंग, बट एज सच अगर आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर हेमेटोलॉजिस्ट इफ ही सीज यू प्रॉपरली, इफ यू आर एग्जामिन प्रॉपरली एंड इफ ही गिव्स अ ग्रीन सिग्नल व्हिच अकॉर्डिंग टू मी शुड बी गिवन, देन प्लीज. लेकिन अपने डॉक्टर को दिखाइए, ऐसा ना हो कि आपके पेट कम है एंड यू आर ब्रूजिंग समवेयर एंड यू आर ऑलरेडी हैविंग वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन में भी पेट काउंट कम हो जाते हैं, सो प्लीज लेट अस नो व्हाट इट इज एंड देन ओनली गो फॉर वैक्सीनेशन. एग्जैक्टली. तो अगर आप हरियाणा में हैं तो डेफिनेटली आप नियरेस्ट जो है जो आपको फिजिकली देख सकते हैं. ऑफकोर्स मैम डज टेली कंसल्टेशन ऑल्सो, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल अगर कोई फिजिकली आपको देख के एनालिसिस कर सके. इफ यू आर इन रोहतक, देयर इज डॉक्टर हिमानी धिंगरा हु इज अ पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट, यू कैन कंसल्ट हर ऑल्सो, शी इज इन PGIMS रोहतक हरियाणा. ओके. कैन वी डू जिम और बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, जस्ट अ क्विक थॉट. यस, अगर आपका डेक्सा गुड टू गो, इफ यूर ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर गुड टू गो एंड इफ यू रियली वॉन्ट गो थ्रू, आपका फिजिकल ट्रेनिंग पहले आपका पूरा एग्जामिनेशन किया जाएगा. इफ इट्स अ गुड जिम, इफ द ट्रेनर इज वेल ट्रेन टू नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तो वो आपको उतनी ही वेट्स देगा, उतनी ही चीजें कराएगा विच यू कैन एक्चुअली डू इट. ऐसा नहीं कि आप जिम कर रहे हो और बोन फ्रैक्चर हो गया, दैट इज नॉट द वे. बट इफ यूर बोन, बताना जरूरी होगा. हाँ, या सो so go to a good gym. aisa nahi ki wo basement mein chal raha gym hai and people are just randomly doing it, don't do that. okay. yeah, and that is perfect. For general public, please don't do that. yeah. makes sense. okay. due to high acidity, is it okay to take antacid on a regular basis? yeah, you can take antacids on regular basis, jaise ki jadusil hai, जैसे कि यू नो ऑल द प्रेजोल्स है, यू कैन डू इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. मोस्टली अगर आपको हाई एसिडिटी है एंड इफ यू टेक अ रेगुलर कोर्स, जैसे कि आप आधे घंटे खाने से पहले डाइजीन ले लेते हो या जेलुसिल ले लेते हो, मोस्टली विद इन 14 डेज, विच इज 2 वीक्स ऑफ टेकिंग अ रेगुलर कोर्स आफ्टर बिफोर एवरी मील, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद वो कोई असर नहीं करेगा. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इज आफ्टर 14 डेज आपकी एसिडिटी वैसे ही कम आ जाएगी, तो आफ्टर दैट कोर्स यू विल बी गुड टू गो, आपको नहीं लगेगा वो. बेसिकली डाइजीन एंड एंटा एसिड क्रिएट्स अ लेयर जिसमें एसिड कम हो जाता है ऑन द स्टमक एंड ऑन द एवरीथिंग, वो क्रिएट्स अ लेयर एंड विच बैलेंसेज योर एसिडिटी. सो इफ यू टेक इट प्रायर हाफ एन आवर प्रायर टू योर फूड, आपकी एसिडिटी नहीं होगी एंड आफ्टर 14 डेज यू माइट नॉट रिक्वायर इट ऑल्सो, ये कर. लेकिन अगर आपको फिर भी हो रहा है, गेट योर सेल्फ टेस्टेड, शायद आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है जो इंडिया में बहुत. ग्रेट. आई वांट टू नो अबाउट सिकल बीटा थैलेसीमिया मेजर विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर. सिकल बीटा थैलेसीमिया डिसऑर्डर विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये तो मतलब 3 रोगों का मिश्रण हो गया. आई वुड लाइक टू नो योर रिपोर्ट्स, प्लीज कनेक्ट टू मी पर्सनली. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो योर म्यूटेशंस. And probably if you have all the reports of HPLC with your father and mother, so I would like to know that. Okay. So, जिसने भी ये question दिया है, yeah, they can connect with ma'am personally. Okay. Something on thalidomide, just your thought. So, what's your opinion on thalidomide and its use in thalassemia major? Thalidomide is basically a novel agent.
which is still in studies, and anything which is in studies and which I am not studying, मतलब जो मेरा which is not my article or which is not my thing, yeah, not very eligible of me to comment on it before the results are out. Okay. So perfect. Which is in studies, like that makes sense. In studies, when the results are out and which is approved, we will talk about it. Surely one day. Sure. I would love to talk about it. Yeah. Okay. One final question that's just came in. Advantages and disadvantage of HAL matrimony from a doctor's perspective. Okay. Your thoughts, basically from a doctor's perspective. Yeah. So I think it's a wonderful concept. Talking about the advantages. Whoever thought of it, 5 stars from my side, kudos. Okay. See, life has become very difficult. मतलब पहले से difficult थी, COVID ने आके तो रायता फैला दिया types. So life has become very difficult, and I don't suggest anyone to live alone. Mm-hmm. Okay. So I will tell you from my personal experience, marriage is a very beautiful complex thing. Okay. Everybody should get married, as per me, and everybody should have वो रोज की नोक टोक एंड एवरीथिंग विच इज देयर ओके एंड सिंस थैलेसीमिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट एवरी डे व्हेन यू गेट अप यू नीड इफ यू हैव अ कंपेनियनशिप एंड इफ यू वांट टू सीक अ कंपेनियनशिप गो अहेड इट विल बी अ बेनिफिशियल थिंग आप लोग साथ में वॉट एवर इट इज एंड उसमें ऐसा है ना कि वॉट आई एम गोइंग थ्रू जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो तो बेटर होगा ही विल अंडरस्टैंड माई नाइट ड्यूटीज ही विल अंडरस्टैंड माई इमरजेंसीज ही विल अंडरस्टैंड माई फ्रस्ट्रेशन व्हेन अ पेशेंट इज गोइंग थ्रू समथिंग एन अननोन पेशेंट इज गोइंग थ्रू समथिंग तो थैलेसीमिया की जो बातें हैं वो एक थैलेसीमिक वॉरियर ज्यादा अच्छे से समझ सकता है करेक्ट एंड सिंस वी लिव इन इंडिया एंड सिंस वी आर फ्रॉम अ वेरी जजमेंटल कम्युनिटी एज अ होल नेशन I will be very, very surprised if a normal person wants to marry a thalassemic warrior who's on regular transfusion. Very, very surprised. I have not come across yet. Karke. So if you're having a companion, if you have feelings for someone, again, YOLO. Okay. Please go ahead. Only disadvantages ye hai ki uski aankhon mein itna magan mat ho jana ki tum apne iron genitals bhul jao. Okay. Don't make his problem your problems. Okay. You have your individual life to take care of. And this is for every woman I'm talking about. मतलब पति के लिए इतना मत निछावर कर लो कि अपनी ही identity crisis में आ जाए. Okay. Mm-hmm. The disadvantages is when the other person is going through something, don't forget yourself. क्योंकि हम, you are everything related to that, it becomes very difficult for you also. So that is the only disadvantage. Otherwise, go ahead. I will also come. मेरे को भी invite करो यार शादियों में जाती हूँ या आऊँगे I'll definitely तो go ahead. Sure. It is definitely a good thing. Get yourself companion who will understand you, who will remind you of your chelators, who will take your blood donations with you, who will go for blood donation drives with you and enjoy life. क्या problem है? पहले से मेरे को क्यों ऐसे जुबेदा type story बना दिया है हमने? And anything on the future like generation, of course they cannot plan for that, right? No, so it is not like that. See, okay. First of all, na ye jo obsession hai na, jaise ki it happened with me, the day I was married, and the next day unhone mujhe pucha tha ki kab, and I am like aisa nahi hota, ruko zara sabar karo. So that obsession needs to take care of. You can always adopt. Always adopt. Yeah. And if you still want to have your own baby, मुझे मेरा एक खून चाहिए, तो तुम्हारे पास तो खून है ही नहीं वैसे. Okay. So adoption is always there if you want to procreate. If not, there is no label कि तुम्हारा बच्चा होना ही चाहिए. You to enjoy your life the way you want it. ठीक है स्टिल अगर आपको बच्चा चाहिए ही चाहिए प्लीज कंसल्ट अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट इट्स अ टीम वर्क आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट लगेगा आपको एक हेमेटोलॉजिस्ट लगेगा यू विल नीड अ वेरी गुड टीम ऐसे नहीं कि अपन गांव के सिविल हॉस्पिटल में करा सकते हैं ये सब इट इज नॉट लाइक दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इंक्रीज योर फर्टिलिटी देर लॉट ऑफ हार्मोनल थेरेपीज देर इज अ लॉट ऑफ सेफ दिस थिंग देर लॉट ऑफ थैलेसीमिया मेजर्स हु हैव गिवन नॉर्मल डिलीवरीज एब्सोल्यूट नहीं है ये
ओके नहीं हो सकता इट कैन बी डन बट इट विल रिक्वायर एफर्ट ओके वी विल हैव टू डू प्रॉब्लम एंड इट इज नॉट लाइक कि यू नो बहुत ट्रॉमेटिक होता है या इट इज इम्पॉसिबल और क्या कर नो इट कैन बी डन ओके वी हैव साइंस इंडिया हैज रीच टू दैट लेवल कि इट कैन बी डन बट आई डोंट अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन विथ इट स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन विथ इट ओके Maybe we'll take that as a separate session someday. I will like to invite a gynecologist in that session who is a very world famous gynecologist and who will probably because our thal minor mothers also need to know because unme bhi bahut zyada miscarriages ki problem hoti ke bar bar aisa hota hai. So what supplementation they should be on. Okay. Right. Okay, so we have exhausted all the questions here in Slido, but there's one question that is there about the sirolimus. I will take that personally. Right? I will take okay. that. Because if okay. I take so, a public session, it will be looking like, ki, ye mujhe kyun nahi de rahe doctor, which is not meant for Got it. It. Okay. Got it. Mm-hmm. So if you are watching this, ma'am will just DM ma'am, follow her and talk to her. So that would work. एंड सवाल सबको है पूछने में डर लगता है बस यू कैन डीएम मी फॉर दैट क्वेश्चन यू कैन डीएम अगर मुझसे डर लगता है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने बारे में बट इफ यू हैव एनी हेजिटेशन कि मुझे क्यों मैसेज करना है या यू कैन फन विद आरबीसी को आप रात को 2 बजे भी बात कर सकते हो दे आर ऑलवेज देयर एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल सेशंस एंड एवरीथिंग एंड वी विल कम अप विद लॉट मोर इनोवेटिव थिंग्स Like this only, अगर आपको नहीं नाम बताना है नहीं ये करना है तो we have found a platform for that also. अगर आपको चिट्ठियां लिखनी है तो थोड़ा कोविड टाइम में रुकना पड़ेगा ओके आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग विच आई प्रोमिस्ड यू सो दिस इज आर पेशेंट रिकॉर्ड बुक इफ यू कैन सी सो दिस इज गिवन टू एवरी पेशेंट इन आर डे केयर ओके बेसिकली ये आपका कुंडली है Okay, so here we have written the registration number, the date of the registration and all the details of the patient, SBTC, vagera, card, vagera, everything. And here I write the history of it, the patient, kaise aaya, kab transfusion leta, tenectomized hai ki nahi, vaise vaise. And here will be the HPLC report. So what we have done is, ke sabke HPLC compulsory hai, aur families, bhai, behen ke bhi compulsory hai. And the most important part is ये आपका transfusion होता है okay so आपको कब blood मिला date फिर आपका blood collection का bag number क्या है ठीक है आपका कब collect हुआ था so you know कि आप freshly blood कब collected थे pre-transfusion HB का एक column है और आपको कितना blood दिया गया है 15 to 20 ml/kg का कितना blood है and फिर आपको next date कब आना और यहाँ पे एक रिमार्क का कॉलम है अगर आपको रिएक्शंस आए या कुछ भी आए तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर पुटिंग और यहाँ पे जो भी साइन करेगा तो इफ अगर आपका डे केयर ये रिकॉर्ड बुक नहीं प्रोवाइड कर रहा है यू कैन मेक दैट बुक ऑन योर सेल्फ आई विल स्टिल ट्राई टू पुट इट सर्कुलेट अ चार्ट और समथिंग टू यू ओके एंड मेंटेन द लेवल अगर आपका एक सीरीज ऑफ लेवल है जैसे कि आप 9-10 9-10 मेंटेन कर रहे हो एंड अचानक आपका एचबी 4 हो गया तो सी की वो 4 व्हाई देयर इज अ सडन फॉल ऑफ एचबी आपको इन्फेक्शन आपको ब्लड मतलब लेट डेट को मिला था आपको मतलब ट्रांसफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम आई थी या यू डिडंट कम ऑन टाइम तो दिस इज योर सेल्फ वे कि आप कैसे इंट्रोस्पेक्ट करो अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन राइट ओके सो मैम इफ यू कैन शेयर अस अ पिक्चर ऑफ दिस और इफ वी कैन गेट अ hold of a copy we'll definitely share it with everybody sab log screenshot leke print out le sakte hain maybe xerox le sakte hain share the column with you and we will probably do right it. okay right yeah amazing and aapke aas pass koi pediatric center hai which is interested in opening a daycare please let me know main us pediatrician ka sir kha jane ka okay perfect yeah okay we can right. guide them how to make a daycare center obviously manglani ma'am and the ctc team is always there with us they just need people who are enthusiastic agar aapke daycare center ko bhi properly ye karna hai to you can contact ctc borivali anytime you can contact us anytime we are just following the footstep what manglani ma'am has already set for us
Okay. Okay. That's great. Any yeah, on a closing note, yeah, one just one question is on gene therapy. Any comments on that? When is it coming to India? How promising is it? दरवाजा है उसको सिर्फ आना है. ओके, इट इज देयर. द ट्रायल्स आर लुकिंग वेरी गुड. द क्रिस 25 सेशन हैज गॉन लॉट हेड्स अप फॉर दैट. वी आर प्रोग्रेसिंग इन लॉट ऑफ वे, बट बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टीज इट इज जस्ट, मतलब दरवाजे पे है, दरवाजा खुला ही है और वो आना ही है ऐसे करके. ओके, लेट्स सी हाउ सून इट कैन कम. जैसे लोग पूछ रहे थे मैं ले रहा था, बट डेफिनेटली नाउ वील ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट लिटिल बिट, ताकि लोगों को भी क्लैरिटी रहे कि फ्लो कैसा हो रहा है. मतलब ये थोड़ा आज ओके फीडबैक नोटेड. एंड एनीबॉडी एंड एनी टाइम कैन कॉन्टेक्ट आई थिंक फन विद आरबीसीज, और वी आर ऑल देयर ऑन सोशल मीडिया, ऑलवेज देयर फॉर यू. प्लीज वो थोड़ा सा हिचकिचाहट बंद रखे, अदरवाइज वी आर गुड टू गो. डेफिनेटली. एंड आई थिंक दोस्तों मैम से ज्यादा ओपन हेमेटोलॉजिस्ट शायद ही आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है. एंड अगर आप मैम से भी शर्माएंगे देन तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि पानी के पास लेके गए बट आप पानी नहीं पी रहे. तो एग्जैक्टली. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम. इट्स रियली, आई मीन वी हैव एक्सटेंडेड एनी टाइम फ्रॉम 1 hour. Anytime. But it was a good session and I think लोगों का feedback भी काफी अच्छा आ रहा है. Yes. Hopefully. And let's keep this up. Let's plan some things. Definitely. Yeah. On different topics, maybe. Upcoming sessions. Streamlined. Physiotherapy. We will take one pediatric physiotherapy who can help us. Yeah. And one gynec sessions. We will plan the gynec session. And we'll let you. Okay. Okay. Bye. All right. Bye, ma'am. Bye. Take care. Thank you so much. Okay. All right. So, दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा? ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ. बट आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया एंड इसकी पब्लिसिटी ज्यादा नहीं हुई थी, बट वी विल सेव दिस लाइव ताकि आप वापस इसको विजिट कर सके. जो भी क्वेश्चन हैं वो जो पूछे थे उसको आप वापस देख सके. एंड ऐसा ही हेल्प डेस्क जैसा चीज हम आगे भी लेके आएंगे, तो आपके क्वेश्चंस आप तब अनोनिमसली पूछ सकते हैं, आपको आपका नाम बताने की जरूरत नहीं है. तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग एंड हैव अ गुड वीकेंड. थैंक यू सो मच. एंड टुमारो वी आर मीटिंग इमरान. ही इज अ थैलेसीमिया वॉरियर एंड इट्स गोइंग टू बी अ किलर सेशन. सो डोंट मिस. सेम टाइम 5 o'clock on a Sunday. Keep rocking. Yeah. Bye.